9 o'clock ऑलमोस्ट अभी मैं जा रही हूँ जिम। बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ बिकॉज बीच में ना मैं एरोबिक्स ज्वाइन की थी ऑनलाइन, सो अभी वो ख़त्म हो गया। अभी मैं सोच रही हूँ जिम मतलब कंटिन्यू करूँगी, और मैं स्टेयरकेस में जा रही हूँ ग्राउंड फ्लोर। अभी 10th floor से ग्राउंड फ्लोर, अभी 5 staircase आने के टाइम में भी सोचूँ मतलब यूज़ करूँगी स्टेयरकेस। आ गई बाहर, मॉर्निंग सीन, और मैं आगे क्लब हाउस की तरफ। क्लब हाउस नट टू जिम, क्लब हाउस में शायद किसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। अभी तक है और इधर ना स्पा मसाज वगैरह होता है, सो लेट्स गो टू जिम नाउ। फाइनली ट्रेडमिल कर लूँगी, बहुत मिस कर रही थी ट्रेडमिल को, आधा घंटा करूँगी उसके बाद अदर थिंग्स। ये वाला जिम पूरा फुल है, लेट्स गो टू दिस। नहीं है, आई विल गो फॉर दिस। वर्कआउट करके दिल्ली आ रही आऊँगी, अभी चलते हैं घर। 10:30 का आसमान, ड्रिजलिंग भी स्टार्ट हो गया, अभी शायद बारिश हो गई। अभी लिफ्ट में, और मैं सोच रही थी आने के टाइम में भी स्टेयर केस यूज करूँगी 10th floor तक, ग्राउंड फ्लोर से 10th floor, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा शायद, थोड़ा टायर्ड लग रहा है। ज़्यादा स्टेप्स नहीं हुआ है, सम 6,000 स्टेप्स हुआ है। इवनिंग को भी हम गिव अप कर दे सकते हैं, सी और पेरिस अगर होगा तो। नहीं तो थोड़ा फ्रेश हो गई, अभी घर पे थोड़ा बना रही हूँ चाय मसाला। आज थोड़ा लेट हो गया मेरा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में रवा इडली हुआ था, अभी थोड़ा चाय बनाऊंगी। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और ये है नेक्स्ट डे। एक्चुअली मैं अभी जिम के लिए रेडी हो रही थी और इसलिए थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट कर दी, एंड कॉल कुछ भी नहीं था शेयर करने के लिए, इसलिए कुछ कंटिन्यू नहीं की। सो आज कंटिन्यू करूँगी, आज का ब्लॉग होगा छोटा हो जाएगा, कल तक कंटिन्यू करूँगी, सो ऐसे होके हो जाएगा मेरा ब्लॉग। सो लेट्स गो टू द जिम। ग्राउंड फ्लोर थी, और मेरे की फ्रेंड में आ गई जिम। वर्कआउट हो गया,
और आज इवन मैंने और कब किया कुछ नया नहीं था। अभी टाइम हो रहा है 10:30, 9 o'clock आई थी। सो नाउ एट होम, अपॉइंटमेंट ली हूँ थोड़ा फेशियल करने के लिए। बहुत दिन हो गया, 2-3 months हो गया फेशियल नहीं की थी। सो आज करूँगी फेशियल और थोड़ा आज मैं पहली बार करूँगी कलर हेयर रूट टचअप करने वाली हूँ। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, और प्लस थ्रेडिंग भी करना है। ये व्हाइटनिंग ना जी मैम। ओके ठीक है, ये पूरा किट करते हो जी? ब्राउन हाय फ्रेंड्स, मैं अभी नहा के आ गई, शैम्पू करके आ गई, बिकॉज वो बोल के गई थी कि आफ्टर 45 मिनट्स यू हैव टू शैम्पू। सो टचअप की हूँ उसको, वो तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, बाद में पता चलेगा ड्राई होने के बाद। और हेयर कलर आउटसाइड कुछ दिखेगा या नहीं, नॉट श्योर, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन फेशियल बहुत अच्छा था, रागा का फेशियल बहुत अच्छा था। सो अभी मैं चली डिनर प्रिपरेशन करने। हाय फ्रेंड्स, सो अभी मैं फिर मिल रही हूँ आफ्टर 2 hours ऑलमोस्ट, और नेल पेंट भी थोड़ा चेंज करूँगी आज, थोड़ा पिंक एंड गोल्डन में कुछ नया नेल पेंट लगाऊंगी। न्यू आज मैं सोच रही हूँ ये वाला जो है ना, इसको सब थोड़ा अदल बदल करके रखूँगी। ये सब जो इधर है इसको, और वो सब जो उधर है अदल बदल करके रखूँगी। इधर थोड़ा कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है जो, उधर ले जाऊँगी, और उधर जो अच्छा दिख रहा है इधर ले आऊँगी। सो पीसेस तो इतना नहीं है, जितना भी है थोड़ा अच्छे से सजा के रखूँगी। वैसे मैंने यूज़ करने के लिए लाई थी, बट इसमें थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता है टी कॉफी पीना, तो इसलिए मैं डेकोरेटिव आइटम जैसा यूज़ कर रही हूँ। और ये तो मॉडर्न पेंटिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इसको मैं सोच रही हूँ इधर कहीं पे लगाने के लिए, आ गया।